गयराधा माधवा कुंद वो रन वल्लभा गिरिवरधारी गिरिवरद गोपीजरावल्लभा गिरिवरदारी यशोदानन्दना व्रज निरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि भव रात्रि रावनकारी जय राधा हरिनाम क्तवृन्दकी कलयुगपावनहरिनामसङ्कीर्तनकी गौरप्रेमानन्दी ग्रन्थरात् श्रीमद्भागवतं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुगुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनाभीष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचेतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणलललललललललललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः वाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदादरश्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तेर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंद नमो नमः हरे कृष्ण कालीन भागवत सत्र में सम्मिलित सब सारे भक्तों को स्वागतम भागवत के अंदर ऐसे आप जैसे श्रद्धालु भक्तों के लिए एक आशीर्वाद प्रदान किया गया है कि जो भी भागवत कथा नियमित रूप से रोज श्रवण करते हैं उनके हृदय की अभद्र मिट जाते हैं मन की मलिनता मिट जाता है भगवत प्रेम जगता है ऐसे जीव शांति सुख परम आनंद को प्राप्त करता है इस दुनिया में भी और परलोक में भी इसलिए हर जीव को प्रातः काल में उठकर शरीर के नवद्वार पूरे देखिए शरीर के नव द्वार है तो शरीर पंच महाभूतों से बनाया हुआ विविध नाना प्रकार के गंदे पदार्थों से बनाए हुए शरीर है लेकिन इस शरीर भी एक धर्म साधन है इसलिए इसको नहा धोकर बारह स्थानों में तिलक पहनकर आचार्य के समक्ष और भगवान के समक्ष आकर सर झुककर भगवान के नामों का उच्चारण करके भगवान के कथा का श्रवण करके जो जीवन जीता है व्यक्ति उसको परम मंगलमय वैकुंठ की प्राप्ति होता है ऐसे अनेक शास्त्रों में ये बात बताया गया है हालांकि इंसान इस दुनिया में बाग दौड़ में है पैसे बनाने के लिए ऐश्वराम जीवन जीने की व्यवस्था करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रसिद्ध बनने के लिए और पर जीवों के पीछे भाग कर उनके साथ स्पर्धा करने के लिए तो सब जीव अपने ही दुनिया में बटक रहे हैं लेकिन श्री प्रभाजी की कृपा से हम सब भक्त लोग सम्मिलित हुए हैं भागवत की चर्चा करने के लिए तो प्रपा जैसे सब सारे जनता के हितैषी शुभचिंतक सारे दुनिया के जीवों को कल्याण करने वाले तो उन्होंने इस तरह भागवत की तात्पर्य देकर हर दिन हमको एक एक श्लोक पढ़कर हाँ, उसका विश्लेषण करके उसको समझ कर जीवन में उतारने के बारे में सोचना इसके लिए आयोजन किया है प्रभुपा जी ने तो ये आर्डर श्लोक है आप ऐसे ही बोलिए पीछे पीछे बोलिए युदास्यमेवा मत पितामह किलवव्रे किलवव्रे नतस्व पित्रियं नतस्व यदुता कुथो भयम् यदुता कुथो भयम् दीयमानं भगवतः भगवतो परमिति परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरी यस्य तो जिसका श्री भगवान का अनुदास्यम <स्वा> सेवा एवं निश्चय ही अस्मत हमारा पितामह पितामह पिता बाबा <म्ण> <म्ण> किल <म्ण> निस्संदेह बवरे <वाव्ण> स्वीकृत <म्ण> न नहीं तो लेकिन स्व अपना पित्रियम पैत्र का संपत्ति जो उत, उता निश्चय ही अकुता भयम निर्भीक्ता, निर्भीक्ता पदम पद स्थान प्रदान किए जाने पर भगवत भगवान की अपेक्षा परम अन्य इति इस प्रकार भगवता श्री भगवान द्वारा उपर बद किए जाने पर खलु निसंदेह स्वपितरी अपना पिता अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री जी के द्वारा ये श्लोक है पांचवा अध्याय का चौबीसवा अध्याय और पच्चीसवा श्लोक बलि महाराज ने कहा मेरे पितामह प्रहलाद महाराज की एकमात्र ऐसे प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचाना उनके पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भगवान नृसिंगदेव ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक है अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा सारांश में इस अनुवाद में क्या बताया गया है कर्म और ज्ञान और योग तीन पद्धतियाँ हैं शास्त्र बताते हैं जो कर्म के पथ में हैं वो लोग अनेक भौतिक प्रलोभनों को हासिल करना चाहते हैं भौतिक पदार्थों को एकत्रित करना चाहते हैं जैसे मानव साम्राज्य हो धन दौलत हो इस दुनिया में प्रजा उत्पत्ति हो जमीन हो सोना चांदी हो यश हो आप लोगों ने सुना होगा मंत्र पुष्पम करके एक श्लोक बोला जाता है तो जब ब्राह्मण लोग आकर स्वस्थ वचन कहते हैं घरों में बताएंगे पुष्पवान प्रजावान ये से बोलेंगे तो ना तो आपको धन दौलत हो घोड़ा हाथी हो है घोड़ा हाथी बोल आजकल बोलना चाहिए कार कार हो बंगला हो है? इस तरह उसकी ये कर्म की फल है ज्ञान के फल क्या है मोक्ष भौतिक दुनिया के सब तरह के तकलीफों से मुक्ति से मुक्ति और योग की फल क्या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके पानी में चलना हवा में उड़ना छोटे से छोटे बनना बड़े से बड़े बनना दूसरों को दिखा सकता है अनेक प्रकृति के ऊपर थोड़ा नियंत्रण थोड़ा बहुत नियंत्रण कुछ समय के लिए तो इन चीजों उससे पीड़ित जीव इस दुनिया में ही हटक जाते हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं लेकिन इधर प्रहलाद महाराज जी के बारे में इस प्रसंग में कहा गया है उनको इस दुनिया साम्राज्य और मोक्ष दोनों प्रदान किया गया भगवान नरसिंह देव के द्वारा उन्होंने उसको नकार दिया बोला कि हम तो शुद्ध भक्ति प्रेम ही चाहिए और उसको छोड़कर बाकी कुछ नहीं चाहिए ऐसे इसके बारे में आप साथ में स्कंद के दसम अध्याय में पढ़ेंगे आप भगवान ने जब बोला नरसिंह देव ने प्रहलाद को प्रहलाद तुम, जैसे शुद्ध भक्त कोई नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं जो वरदान मांगना हो मांग लो ऐसे बोलते हैं तब तो प्रहलाद बोलता है मामा योत्पत्तिया सक कामेश तत्संगी तो निर्विणो मुम क्ष उपाश्रित हे hey भगवान आपके पास बुद्धिमान लोग आते हैं मुमुक्ष लोग आते हैं और आप जो हमको प्रलोभन दे रहे हैं राज्य इत्यादि की मैं तो एक असुर परिवार में जन्मा हूँ अगर आप प्रलोभन देंगे तो मैं प्रलोभन में पड़ जाऊँगा भ्रमित होकर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा इसलिए प्रलोभन मत दीजिए जैसे एक बच्चे को अगर चॉकलेट दिखाया जाए कैड कैडबेरी बच्चा कैडबरी चाहे तो तुरंत तो वो चीन लेगा ना आपके हाथ हाँग से उसको क्योंकि उसको रुचि भी है उसमें लेकिन उसके लिए वो अच्छा नहीं है उसके लिए है। जितना कैडबेरी खाएगा उसका दांत गिर जाएगा उसका इस तरह प्रहलाद बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं मैं असुर कुल में जन्मा हूं अगर इन प्रलोभन में पड़ जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा और मैं आपको भूल जाऊंगा और बहुत ही पदार्थों में लिप्त हो जाऊंगा आप हाँ प्रलोभन माध्यिका ये बताते हैं मामा प्रलोभयोत्पत्तियासक्तम कामेशु तैर्वरे ही तत्संग भी तो उपाशितः मैं इस तरह के भौतिक दुनिया के संग से मैं भयभीत हूँ मैं चाहता नहीं हूँ बोलते हैं आगे बताते हैं अहम की आ, वो बताते हैं कि आगे अहम भक्त हूँ अकाम सेवा दूंगा लेकिन अपेक्षा कुछ नहीं रखूंगा ऐसे बताते हैं कंपनी में लोग काम करते हैं क्योंकि उनको वेतन मिलता है महीने के अंत में है कि नहीं फिर भी भारत में पूछो किसी को क्या कर रहे हैं बोलेंगे सर्विस कर रहा हूँ बोलेंगे लेकिन वो सर्विस है क्या क्योंकि हम एक अपेक्षा लेकर हम काम कर रहे हैं उधर वो अपेक्षा अगर पूर्ति नहीं किया जाता है तो हम काम नहीं करेंगे उधर लेकिन गुरु और कृष्ण की सेवा जो किया जाता है कुछ अपेक्षा ना रखते हुए किया जाता है आप प्रेम से करते हैं जैसे अगर आपके माता पिता दूर से आए हो बहुत एक बड़ा मोटा लगेज लेकर आए हैं उठा नहीं पा रहे हैं तो आप तुरंत जाकर उसको उठाओगे आप उसके लिए कुली चार्ज नहीं मांगोगे हैं, कुली लोग मांगेंगे चार्ज हम चार्ज नहीं मांगेंगे प्रेम से किया जाता हो तो यही बात है तो प्रेम से भगवान को किया हुआ कर्म जो है उसको सेवा करके सेवा नाम से बोलते हैं उसको हा? तो बता रहे हैं कि अहम त्वका भक्त तव च स्वामी अनपाश्रय आप शाश्वत काल के लिए मेरे स्वामी हो आप नान्य ते हावय राजा सेवक योरी आप राजा हो मैं सेवक हो आप स्वामी हो मैं दास हूँ और आपको सेवा देते रहूंगा आप सेवा लेते रहिए और इस संबंध को छोड़ कर दूसरे तरह का आपके साथ मेरा संबंध नहीं है आप ही मेरे स्वामी है पास है। मैं कुछ नहीं अपेक्षा आप करता आपसे ऐसे वो बोलते है फिर भी भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है ये बात है भगवान बोल रहे हैं प्रहलाद इतना सेवा करने के बाद तुम कुछ ले नहीं रहे हो मेरे से लेकिन मेरी इच्छा है तुमको कुछ देने के लिए मालूम मुझे की तुमको इच्छा नहीं है फिर भी मेरी इच्छा कुछ देने के लिए है इसलिए मांग लो प्रहलाद बोलते हैं ये अवरिक श्लोक बोलते हैं उधर उसी लाइन में है या में कामान बोलिए भवतस्तु बोलते हैं कामान से दास कामान अगर मेरी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हो वराम स्व वरद ऋषभ आपका नाम है वरद ऋषभ हाँ वरदान देने में बड़े शक्तिशाली हो आप सब जीवों को वरदान देते हो आप उनकी इच्छा के अनुसार इसलिए बताते हैं ठीक है मुझे भी एक वरदान दे दीजिए अभी मांग लेता हूं मैं क्या मांगा उन्होंने कामानम हृदय असम रोह हम बोलते हैं कि मेरे हृदय में अगर कुछ भौतिक इच्छा हो तो उसको मिटा दीजिए ऐसे बोलते हैं हृदय वही एक वरदान मांगता हूँ तो ये बात को याद कर रहे हैं अभी बली महाराज इधर भले महाराज को ये बात याद आ गया कि मेरे दादाजी जो थे प्रहलाद जी क्योंकि बले महाराज के पिता विरोचन विरोचन के पिता प्रहलाद प्रहलाद के पिता हिरण्य है ना ये पीढ़ी है उनका तो अपने दादाजी की स्मरण आ रहा है इनको बलि महाराज को बोल रहे हैं कि फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को ना स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रखने का वार मांगा ये बड़ी बात है, है? क्योंकि हिरण रावण कुंभकर्ण और विभीषण और का ये सब लोग एक पहाड़ के एरिया में जाकर सब लोग घोर गो, तपस्या किया वो लोगों ने लेकिन तपस्या करने के बाद जब फल प्राप्त करने का समय आया तब अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज मांगा है? जैसे रावण को इच्छा थी कि वो लंका नगरी की राजा बन जाए उस समय विश्रवा ने उसको किसको दिया था विभीषण को दिया था है? तो रावण बलशाली बनकर उसके हाथ से चीन लिया उसको अब विभीषण ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए उपदेश क्या है तो उनको बोला गया आप उधर चले जाओ उत्तर भारत में कैलाश के निकट शिव जी के पड़ोस में हधर उधर कुबेर के ललकापुरी उस स्थान में रहो इसके साथ झगड़ा करना अच्छा नहीं बोला गया तो वो छोड़कर चला गया उधर और इस तरह है, वो लोग अलग अलग भौतिक वरदान मांगते हैं लेकिन विभीषण को पूछा गया तुमको क्या वरदान चाहिए उन्होंने बोला मेरे जीवन में अगर कुछ कठिन परिस्थिति आ सकता है भविष्य में उस परिस्थिति में मैं धर्म से दलित ना हो जाऊं कठिन अवस्था में भी धर्म को पकड़ कर चलो ऐसे उन्होंने प्रार्थना की थी इसलिए भविष्य में आप देखेंगे जब उनके जीवन में ऐसे स्थिति आया कि रावण ने उनको डांटा रावण को सदुपदेश दिया उन्होंने रावण ने लात मारा उनको तो विभीषण उसको छोड़कर प्रभु रामचंद्र के इसी चरणों में आश्रित हो गया आप देख सकते हैं इसलिए हम लोग अगर मांगने के लिए मौका भी मिलता हो क्या मांगना चाहिए वो जानना बहुत आवश्यक है मूर्खता से जी अगर कोई करोड़पति के पास जाकर कोई दस पैसा मांगेगा कितना बड़ा मूर्खता है वो इस तरह इसलिए हमारे डोने, डोनेशन कलेक्टर्स जो होते हैं ना जब अगर बड़े डोनर के पास आते हैं डोन पूछता कितना चाहिए वो बोलते हैं जितना देना है दीजिए अगर आप बोलेंगे पाँच हजार दे दीजिए वो बोला उतना ही चाहिए क्या ठीक है ले लो पाँच हजार पांच, पांच लाख देने की मन थी मुझे आपने पाँच छः हजार मांग लिया ठीक है ले लो बोलेंगे है ना इसलिए उनके ऊपर छोड़ दो उनको सिर्फ भक्त बनाओ अगर वो भक्त बन गया तो जो भगवान की और भगवान और उनके बीच में करेक्ट है भगवान के लिए वो दे देगा आसानी से उनको भक्ति में जोड़ना चाहिए माला देना चाहिए की किताबें देना चाहिए हाँ हरिणाम के बारे में बोलना चाहिए कैसे हम सब लोग भगवान के हैं वो बता देना चाहिए तो उसके बाद जब अगर वो जीव क्या है अंदर कुछ ज्ञान जग गया वो धनी हो गरीब हो बड़े हो छोटे हो जो भी हो अगर समझ गया तो भगवान की सेवा करने की आतुरता उसके मन में जग जाती है हम्म तो इस तरह वाली महाराज याद कर रहे हैं उसको तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि शुद्ध भक्त अपने को परमेश्वर के दास का भी दास माने गोपीपुर पद दास दास कमलियों वैष्णव दर्शन में किसी को प्रत्यक्ष दास नहीं बनना चाहिए प्रहलाद महाराज को इस संसार में पूर्ण पद तथा ब्रह्म में तदात्कार होने का होने की स्वच्छंदता से आशीर्वाद प्राप्त थे किंतु उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया उन्होंने भगवान के दासों के दासों भी दास की सेवा में रखना समझा। इसलिए बलि महाराज ने कहा है कि चूंकि उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भौतिक ऐश्वर्य तथा बंधन से मुक्ति जैसे श्री भगवान के आशीर्वादों को नकार दिया था इसलिए वे आ, आत्महित वो भली भांति समझते थे ऐसे बताते हैं देखिए इस दुनिया में हर एक जीव के अंदर दो प्रवृत्तियां होते हैं तो उसके अंदर पूर्व जन्म कर्म वासना को लेके आते समय कभी कभी आसुरी प्रवृत्तियां भी है और दैवीय प्रवृत्ति है भगवान ने अर्जुन को बोला सोलह में अध्याय में गीता में अर्जुन तुम दैवी प्रवृत्ति वाले हो दैवी संपत्ति है तुम्हारे पास फिर भी मैं आश्चर्य संपत्ति के बारे में भी मैं समझाता हूँ तुमको ऐसे बोलकर भगवान संपत्ति के बारे में भी बोलते हैं तो जो दैवी संपत्ति वाले जो होते हैं उन जीवों को स्वाभाविक रूप से हा? उनकी मति भगवान की ओर चलता हमेशा अगर कुछ चुन ना हो उनको सतपथ कुपथ तो सतपथ को ही वो चुनते हैं ओम गया है। अगर कुछ दुर्घटना आए कुछ तकलीफ आए जीवन में तत्क्षण वो भगवान के शिकरण की ओर दौड़ते हैं वो लोग हैं। ये स्वाभाविक स्थिति है, है दैवी संपत्ति वालों को ऐसे लेकिन अगर कोई जीव का जन्म आश्री परिवार में जन्म हुआ हो आशुर, शरीर ही एक प्रदर्शन है कि इसका मति भी होदर्शन होगा पहले नहीं तो इसको शरीर कैसे मिला ऐसे कोई पूछ सकता है ना इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं नरसिंह देव की प्रार्थना में ब्रह्मादय मुनयोत कथान मत यो वचसाम प्रवाह नारादि तुं पुरुगुणै रधुनापि पिप्रहु किं तोष्टुमर्हति समे हरि रुग्रजाते हे भगवान मेरा जाते उग्र जाति देवताओं की जाति है दै दे, दैवी सम्बत वाले जाती और देवता लोग हमेशा आपके अनुयायी बनते हैं और हम असुर लोग आपके विरुद्ध चलते हैं देवता लोग संस्कृत में उनका पांडित्य है बहुत स्वाभाविक रूप से सरल तरीके से वो आसानी से रसचंद अलंकार के साथ जोड़कर सुंदर सुंदर आ, आ, श्लोकों को रचा कर वो गा सकते हैं लेकिन हम लोग उग्र जाति में जन जन्मे हैं असुर लोग हम लोग के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है आपकी गुणगान बोलना हमारे लिए नामुमकिन है फिर भी इधर ब्रह्मा जी ने मुझे चुना है आपकी गुणगान करने के लिए मेरे अंदर क्या योग्यता है अधिकार नहीं है हमारा फिर भी वो बोल रहे हैं गुणगान करो मैं कैसे कर पाऊंगा आपको इस तरह बहुत एक नम्र भावना के साथ प्रार्थनाओं को शुरू करते हैं प्रहलाद महाराज जी था उनका शरीर उग्र जाति का लेकिन उनका मनोभाव में उग्र जा उग्र भावना नहीं था कारण क्या था उनके माँ के गर्भ में जब थे तब एक महात्मा पुरुष मुनि की संग प्राप्त हुई उनको उनको श्रवण करके उनके मति में भगवान हरि के लिए प्रीति को जगा दिया उन्होंने इसलिए जब उनको जन्म हुई जन्म होते ही जन उन, उनके अंदर भगवान हरि की भक्ति करने की उत्साह थी तो शुरुआत से लेकर पहला ऐसे भक्त रहा जन्म लेते ही ऐसे इसका मतलब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट दो चीज है, है बाहरी पर्यावरण बोलते हैं बाहरी पर्यावरण अंतरी पर्यावरण तो अगर कोई आसुरी पर्यावरण अंदर है इसलिए उसको असुर शरीर प्राप्त हुआ है इसका मतलब अंदर भी असुर ऐसे है होते हैं जैसे भी कंस है हुँ? जैसे रावण है ऐसे इनके बारे में सुनते हैं आ, दुर्योधन है ऐसे तो इनके अंदर भी आसुरी प्रवृत्ति है बाहर भी आसुरी प्रवृत्ति का प्रकटीकरण हो रहा है हम देख सकते हैं अगर ऐसे हो ऐसे व्यक्ति के लिए उद्धार होने के लिए कुछ उपाय है क्या अगर कोई पूछता है जरूर तो उनके लिए उपाय है जैसे आप देखेंगे दुर्योधन को सदुपदेश देने वाले अनेक ऋषि मुनि थे सभा में है? जैसे मार्कंड ऋषि आते थे नारद मुनि आते थे हाँ व्यासदेव आते थे हाँ धौम्य धौम्य ऋषि आते थे है? और मैत्रे. हाँ मैत्रेय ऐसे अच्छा, अनेक लोग सभा में आकर अच्छे अच्छे भगवान संबंधित विषयों को बताया इससे भीष्णु पितामा भी अनेक बार भगवान कृष्ण के गुणगान भी किया है भगवान साक्षात कृष्ण खुद ही आए उधर शांति दूत के रूप में है। और उनको एक विश्व रूप भी दिखाया भगवान ने अर्जुन को भी एक दिखाया दुर्योधन को दूसरा दिखाया है दोनों को दिखा दिया उन्होंने इतने होने के बावजूद भी विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे हम बोलते हैं उसका मति सुधरा नहीं किसका दुर्योधन का आप देख सकते हैं इसका मतलब है बाहरी पर्यावरण इतने पवित्र दिव्य होने के बावजूद भी वो अपने कुपत को छोड़ नहीं पाया इस तरह हम देखते हैं तो इसका मतलब है अपने मनोभाव को जैसे के वैसे रखाओ बदलने के लिए वह तैयार नहीं था आ, और इनको देखेंगे जैसे रावण जैसे कंस इन लोगों को देखेंगे इनके मिनिस्टर लोग जो थे वो हा में हाँ मिलाने वाले लोग थे क्योंकि वो डरते थे कि अगर हम इनके विरुद्ध कुछ बोलेंगे तो दंड मिलेगा नहीं तो पद भी छुट जाएगा नहीं तो बगा देगा नहीं तो मार भी देगा हमको कुछ भी कर सकता है इसको जो अच्छा लगता है वो बोल दो हा में हाँ मिला दो ऐसे मिनिस्टर लोग थे उसके कम से के भी और लेकिन कम से के सभा में भी एक अच्छा भक्त था नाम था उसका अक्रूर जी अगर कृष्ण की भक्त बनना था कम से को तो अक्रोज की संग लेकर वो आगे बढ़ सकते थे है कि नहीं और कम से के सभा में भी नारद मुनि आए कंस के साथ बात करने के लिए हा? अगर कम से भक्त बनना चाहता तो संग की कमी नहीं थी उसको हा? उसका भी संग प्राप्त हुई इसी तरह गिरण कशुप के सभा में भी नारद मुनि आ पहुंचे इसलिए बोलते हैं हम धीरा अधीर जना प्रिय हो प्रिय कराओ हीर अधीरों के साथ भी नारद उनको पास पास भी जाकर बात करते थे ऐसे बुद्धिमान थे सबके साथ बात करने के लिए क्षमता थी उनमें ऐसे तो ये लोगों को दोनों तरह के संग प्राप्त हुआ कुछ सत्संग लेकिन सत्संग को छोड़कर ये लोगों ने कुछ कुसंग में जुड़ गए सत्संग देने वाले को भी बगा दिया जैसे विदुर जी ने सत्संग दिया धृतराष्ट्र जी को उनका बेटा दुर्योधन को बगा दिया सभा से धृतराष्ट्र ने उनको रोका भी नहीं इस तरह रावण को सत्संग दिया विभीषण ने उनको भगा दिया और रावण को रोकने वाले कोई नहीं थे इसका मतलब है जिनको सत्संग प्राप्त होता है उसको दूर कर देना और कुसंग से आसक्त हो जाना कितना बड़ा मूर्खता है तो इस तरह कई कई भी मंत्र के साथ संकृति है प्रभु रामचंद्र को जंगल में भेज दिया दूर तो जो अच्छा चीज है जैसे विष को पी रहे हैं अमृत को नकार रहे हैं कितना मूर्ख की मूर्खता है कितना बड़ा मूर्खता है इसका मतलब है संग सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है जैसे पता कि एक श्लोक में शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे, गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने ये श्लोक बताता है कि कभी कभी कुछ कुछ हाथियों के माथे के ऊपर एक मोती होता है सब हाथी के पास नहीं है कुछ कुछ हाथियों के पास ऐसे होता है इसी तरह कुछ कुछ पहाड़ों में रत्न प्राप्त होता है सब पहाड़ों में सोना चांदी रत्न मिलता है क्या नहीं इधर उधर कहीं कहीं कुछ कुछ प्रदेशों में पहाड़ों में सोना चांदी रत्न मिलता है इसी तरह कुछ कुछ वनों में चंदन का काष्ट मिलता है चंदन चंदन मिलता है तो ये बहुत दुर्लभ इसी तरह कुछ कुछ बस्ती में वैष्णव होते हैं जैसे इधर नगर में नगर के कोने में एक वैष्णव का झुंड है इस तरह सब शहर में वैष्णव मिलते नहीं है हा? बहुत दुर्लभ है इस तरह सब कॉलेज में युवकों का केंद्र नहीं है कुछ कुछ कॉलेजों में है ना सब के लिए वो लाभ नहीं है इसलिए अगर हमको लाभ मिल रहा है तो उसको उसका सदुपयोग लेना चाहिए उसका करेक्ट है ना एक व्यक्ति था वो रहता था गंगा के तट में और उस बस्ती में चंदन का भी पेड़ थे वो चंदन को पेड़ को काट कर वो ईंधन में लगाता था वो किधरसोई में चूल्हे में लगाता था वो और गंगा है निकट है। उसको छोड़कर वो बाथरूम में जाकर शावर में नहाता था वो अरे गंगा है तो गंगा में डुबकी लगाओ। पवित्र गंगा है उसको छोड़कर कितना मूर्ख था इस तरह कभी कभी हमको भक्तों का संग बहुत आसानी से मिल जाता है लेकिन हम उसको क्या करते हैं गंभीरता से नहीं लेते हैं इस तरह तो इस तरह अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले अंदर आसुरी प्रवृत्ति था इन इन लोगों का मैंने जिनका नाम लिया मैंने हा? लेकिन बाहर जो संघ मिला संघ को नकार दिया और कुछ संघ को स्वीकारा और पहले थे बिगड़े और बिगड़ गए ये लोग ऐसे और इसके विरुद्ध आप देखेंगे अगर अंदर कोई कमजोर भी हो लेकिन थोड़ा बहुत ईमानदारी है एक व्यक्ति के पास है। जब सत्संग प्राप्त होता है तुरंत तो उसमें जुड़ उदाहरण है उदा अर्जुन है। अर्जुन को बहुत कमजोरी थी शुरुआत में वो रो भी रहा था वो अपने ही मन की बात मान रहा था और कृष्ण की बात माना नहीं कृष्ण कड़े हैं दो फुट दूर में फिर भी रो रहा है कृष्ण की उपस्थिति में भी है मतलब क्या है इसका मतलब कृष्ण की मति से अपने मति को ना एक करके अलग मती लेकर अर्जुन रो रहा है उनको रोने का यही कारण है लेकिन एक विषय अच्छा था अर्जुन के पास अपने स्थिति को समझ कर वो शरण ले लिया भगवान का उसके बाद भगवान ने सदुपदेश दिया गीता ताकि और सदुपदेश प्राप्त करके करिष्य वचनम तवाई से बोलकर अर्जुन को सदगति प्राप्त हुई और वो ऐसे युद्ध करके भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाकर पांडव लोग सब सारे दुनिया के राजा बने भगवान की इच्छा के अनुसार पूरा जीवन चलाए उन्होंने ऐसे तो ये बात हमको क्या सिखाता है हम और हमारे अंदर भी कभी कभी थोड़ा कमजोरी होता है अगर क्योंकि हम पूर्ण शुद्ध नहीं है अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं शुद्ध भक्त ना होने के कारण कभी कभी विकार उठते हैं मन में है। गलत पत् को पकड़ने की संभावना है फिर भी अगर हमारे अंदर ईमानदारी हो रामण कथा हो तो हम अच्छे संग को स्वीकार कर उस दूषित भावनाओं को हम नकार सकते हैं भगा सकते हैं ऐसे हम अर्जुन के इसमें देखते हैं ऐसे ही ध्रुव महाराज भी हैं ध्रुव महाराज के अंदर पहले ईर्ष्या थी कि मेरे सौतेली माँ को दंड देना चाहिए वो भावना थी ऐसे उनके मन में बाद में और एक विकार उठा उनके मन में अहंकार का विकार उठा कि मैं सौतेली माँ को छोड़ो मेरे पिताजी को भी उनके भी पिताजी जो स्वयं मनु है उनके भी पिताजी ब्रह्मा है ये सबको दिखा दूंगा कि मैं मेरा राज्य इन सब लोगों से भी श्रेष्ठ है इस तरह सारे दुनिया को दिखाने की भी इच्छा थी उनकी हा? और साथ, साथ एक बदला लेने की मन भी थी ये दोनों दूषित अवस्था है मन की अगर हमारे अंदर घृणास्पद भावना हो हमारे मन में किसी के लिए वो हमको ही सताता है बहुत हमको जलाता है हृदय को जलाता है, जलाता है इसे। हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे उसको इसके कारण आजकल दुनिया में व्याधि भी बढ़ रहा है क्योंकि लोग एक दूसरे को देख कर जलते हैं तो हम जब स्कूल में थे एक टीचर ने हम सब लोगों को बोला कि अगले दिन आप सब लोग टमाटर लेके आओ ऐसे बोला उन्होंने लेकिन टमाटर कितने लेके आओ जितने लोगों के साथ तुम्हारा घृणा है उतना टमाटर लेके आओ किसी ने बोला हमारा पांच लोगों से जमता नहीं हमको ठीक है पांच लेकर आओ कुछ लोग ने पंद्रह भी लाया <laughs> कुछ लोग बीस भी लाया ऐसे वो तो सब लोग बैग पैक में रखे थे कवर में टीचर को देने के लिए गए टीचर बोलते नहीं बैग के अंदर रखो मैं जब मांगूंगी तब देने का ठीक है तो हर दिन वो लोग लाते थे वापस लौट लौटा कर लेके जाते थे कब मांगेगी टीचर पता नहीं था एक हफ्ता हो गया सब बच्चे बोले लगी टीचर को टीचर टीचर जल्दी ले लीजिए बहुत दिन हमने रखा है अब बच्चों ने देखा कि जितने बच्चों ने ज्यादा टमाटर लाया उनका बैग ज्यादा सड़ सड़ रहा था और बास आ रहा था वो उसको नाक पकड़ रहे थे वो लोग चिल्ला रहे थे टीचर को बोले कि अब एक हफ्ता हो गया आपको लेना ही पड़ेगा आज हम अभी नहीं रखेंगे बोला टीचर बोला देखो जितना ज्यादा टमाटर है तुम्हारे पास उतना तुमको तकलीफ हो रहा है तो ये घृणास्पद भावना भी ऐसा ही है बोला सब टीचर ने बोला तुरंत उसको निकालो बैग से और डस्टबिन में डाल दो तो मुझे नहीं चाहिए बोला बोला टीचर ने ने बच्चे ये तो पहले बोल सकती थी आप है? इतना दिन रख कर क्या डालने का वो बोली पहले बोलूंगी तो समझ नहीं पाओगे आप लोग है अभी सीख लिया खुद ही है एक्सपेरिमेंट करके सीख लिया आपने ऐसे समझा उन्होंने तो ध्रुव के अंदर इस तरह घृणास्पद भावना है और स्पर्धा की भावना भी अच्छा नहीं है स्पर्धा की भावना में क्या होता है अगर दूसरों के साथ स्पर्धा करना हो कभी कभी इतना इंसान स्पर्धा कर गाड़ी चलाते समय भी इतना स्पर्धा करता है दुर्घटना हो जाता है कभी एक्सीडेंट हो जाता है हां, करेक्ट है ना टांग टूट जाता है सर टूट जाता है कुछ हो जाता है कुछ कुछ कॉलेज के विद्यार्थी इतना तेजी से बाइक चलाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए लारी के नीचे चले जाते हैं अभी दूसरे लोगों को दिखाने का अभी अस्पताल में लेटा रहेगा तीन महीने के लिए है ना तो स्पर्धा क्या करना है हरेक को जो जितना प्राप्त करना हो भगवान देते हैं उसको है? भगवान सबके प्रभु हैं जानते हैं किसको कितना देना है, है दाता के दरबार में सब लोगों का खाता जिसने जितना जमा कराया उतना ही वो पाता समझ गए ना आप लोग खाता आपका आपका खाता किसके हाथ में है भगवान के हाथ में आपको जितना देना हो देंगे वो लेकिन ध्रुव महाराज के अंदर स्पर्धात्मक भावना भी थी ईर्ष्या थी ये दोनों को लेकर उनकी ओंट काम पर ही थी। से गरम गरम अश्रु बह रही थी और सारे शरीर हिल रहा था मानो कुछ सर्प के ऊपर किसी ने बूट्स लगा दिया हो ऐसे तो ऐसे दूषित मनोभावना लेकर भी ध्रुव महाराज बाद में पवित्र हुए कैसे हुए ये एक अच्छा भावना था ध्रुव में हमेशा वो नम्र थे अनेक लोगों अनेक महान लोगों की बात माना उन्होंने पहला चीज़ उनके माँ की बात माना सुनीति ने बोला कि बेटे ये ईर्षा भावना को त्याग दो तुमको राज्य चाहे तो प्रभु भगवान के पास जाकर मांगो भगवान ने ही सबको दिया है राज्य पदवी तो माँ की बात मानकर जंगल गए बाद में मुनि की बात मानकर तपस्या की बाद में आप देखेंगे भगवान की दर्शन प्राप्त हुई उनको उसके बाद भी उनके जीवन में आप देखेंगे एक बार यक्षों के साथ युद्ध करते समय वो लोग इतने बाण चलाया और ध्रुव के ऊपर ध्रुव लगभग लगा कि ध्रुव मर ही जाएगा ऐसा लगा लेकिन उस समय आकाश मार्ग में जाने वाले कुछ ऋषि मुनियों ने ध्रुव को बोला कि नारायण का नाम लो नारायण का नाम लेकर वो जीत गए उस युद्ध में भी बाद में स्वयं मनाकर उपदेश दिया उनके बात भी मान लिया बाद में आ, कुबेर उन्होंने उपदेश दिया उनका भी बात माना तो ये अच्छी बात है एक भक्त के जीवन में वैसे महान लोगों की महान भक्तों की बात मान कर चलना मनमानी नहीं करना यही एक अच्छा गुण था किसमें ध्रुव महाराज हाँ पहले उनके अंदर कुछ दूषित भावना लेकिन देखिए पहले मैंने आपको बताया रावण यशिपु ये कंस इत्यादि लोगों ने अच्छे बात माना क्या माना नहीं लेकिन ध्रुव ने माना ये फर्क है अभी धृतराष्ट्र का इच्छा था कि सारे धरती का राजा मेरे बच्चे बने लेकिन ध्रुव महाराज की इच्छा उससे भी ज्यादा था वो बोला सत्यलोक के अधिपति ब्रह्मा जो है ऐसे उनसे भी बढ़कर उनको अच्छा राज्य चाहिए था इतने बहुत बड़ा लोभ भावना था वो लोभ भावना भी मिट गया हा? क्योंकि ये वैष्णव की बात मानने वाले थे ऐसे मानने के कारण उनको भगवत प्राप्ति भी हुई भगवान ने उस दूषित भावना को निकाल दिया हा? उनके हृदय को प्रेम से भर दिया भगवान ने ऐसे हा? तो सब जीवों के लिए प्रीति अपने सौतेली माँ को भी दंडोत प्रणाम की उन्होंने वापिस लौटाने के बाद ईर्ष बाना इसको मतलब ईर्ष बाना मिट गया उनके हृदय में ऐसे। तो इसका मतलब है, अगर हमारे हृदय में कमजोरी हो लेकिन हम महात्माओं के श्री चरणों में आश्रित होकर उनकी बात को गंभीरता से मानते हैं हम सोचते हैं कि हम क्षुद्र हैं हम छोटे हैं, हैं हमारे अंदर ज्यादा बुद्धिमता नहीं है लेकिन वैष्णव लोग महात्मा लोग हैं बड़े हैं हम उनसे श्रवण करेंगे हम हम पथ में चलेंगे और हमारे लिए अच्छा होगा हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा जो वैष्णव के अनुयायी बनता है आ, ऐसे बताते हैं ना तिर तद अनुरागी जना अनुगामी कालम ये अनुरागी जनों के अनुगामी बनना चाहिए है? की इस तरह हम अनुगामी बनने से हमको बहुत ऊंचा पदवी मिलता है क्या है भगवान के श्री चरण मिलता है भक्त को तो ये ध्रो महाराज के यश ऐसे और आप देखेंगे इसके विरुद्ध अभी दो उदाहरण दिया मैंने अर्जुन का भी कमजोरी था ध्रुव का भी कमजोरी था दोनों लोग बात मानने वाले थे अर्जुन ने बात माना किसकी कृष्ण की बात ध्रुव ने बात माना अपने माँ की और नारद इन लोगों की अभी इसके विरुद्ध आप देखिए अजामिल अजामिल के अंदर उनका अंदर की उनका पर्यावरण जो था एनवायरमेंट बहुत अच्छा था घर में घर में माता पिता धार्मिक लोग थे भगवान की विग्रह थी सुबह उठता था माता पिता को भी झुकता था भगवान को भी झुकता था वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया श्रुत संपन्नता दृढ़व्रतता ये ऐसा बताया गया है तो ब्राह्मण था वो इसलिए शमत्त दमत्त तपश्चोच्चम शांति राध्यम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म वो सब अपनाया उसने और रोज की नित्य कर्म भी करता था जैसे गायत्री मंत्र हम करते हैं तीन बार करते हैं आ, नित्य कर्म नैमिति कर्म ये सब करता था वो हा? तो उसमें कुछ कमी नहीं था वैदिक मंत्रों का हा? में अध्ययन थी उसको ये सब ठीक ठाक था उसकी लेकिन पूर्व जन्म वासना कुछ तो हा? जैसे दुर्गंध वासना थी उसके आ? मन में जिसको बोलते हैं हम काम कर्म बीज हैं थे वो लेकिन जंगल में जब गया कुछ फूल तोड़कर लाने के लिए तब ऐसे कुछ अश्लील दृश्य देखने को मिला उसको एक शुद्र शुद्रानी उधर आलिंगन कर रहे थे चुम्बन दे रहे थे उसको देखकर उसके अंदर एक विकार उठ गया उसके मन में लेकिन गलती क्या किया उसने उसको देखता रहा देखता रहा चुप चुप के और घर में आने के बाद वो पिताजी के पास उपदेश कुछ नहीं लिया और अपने मन खोल कर कुछ साधु महात्माओं के पास जाकर वो इसके लिए उपाय क्या है इस काम वासना को कैसे मिठाया जाए पूछा नहीं उसने किसी को इसके विरुद्ध पूरा परिस्थिति का नियंत्रण जो अपने हाथ में ले लिया हु? वो क्या क्या अपने माता पिता को भगा दिया और धर्म पत्नी थी उसको भी मायका में भेज दिया हु? और अकेले होकर वेश्या को घर में लाकर पूरा उसका भ्रष्टाचार में जुड़ गया वह इसके कारण पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार व्यभिचार सब किया उसने इसके कारण अधोगति प्राप्त हुआ उसको इतने दस बच्चे को पैदा किया और यमदूत आ पहुंचे उसको उठाकर लेके जाने के लिए हम देख सकते हैं इस तरह अगर हमारे पर्यावरण भी अच्छा हो अगर हम लोग झुकते नहीं है महात्मा लोगों की शिक्षण में सीखने के लिए अगर हम मनमानी करते हैं तो पर्यावरण अच्छे होने के बावजूद भी हम लाभान्वित नहीं हो सकते हैं इवन इफ यू हैव अ वेरी गुड स्पिरिचुअल एम्बियंस वी मे स्टिल मेंटेन अवर ओल्ड पॉइसनस मेंटेलिटीज एंड वी मे रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ जैसे मैंने इनके बारे में बताया दुर्योधन के बारे में बताया ऐसे ही हो गया इनका भी लेकिन एक अच्छी बात हुई लास्ट बच्चे का नाम दिया था नारायण इसके कारण नारायण का नाम बार बार पुकार कर अनजाने से इसकी पुण्य बढ़ रहे थे मालूम नहीं था इसको लेकिन भाग्यवश उसने प्रभु राम प्रभु नारायण की नाम जोर से पुकारा अंतिम काल में जब यमुदूत आप उस समय इसके कारण भगवान ने विष्णु दूतों को भेजा तो उस समय उनको सत्संग प्राप्त हुई दोनों के बात सुन रहा था ये अमदूत क्या बोल रहे हैं विष्णुदूत क्या बोल रहे हैं तो विष्णुदूत की बात जब सुनकर इसके इसको अकल आ गया इसको बुद्धिमता जग गया बुद्धिमान बन गया उस समय समझ गया का। और बहुत पछताना भी लगा पछताने भी लगा पछता कर जोर से फूट फूट कर रो पड़ा माता पिता को मैंने बगा दिया क्या कर दिया मैंने मेरे जीवन में इतना पापी बन गया मैं सतक्षण सब छोड़कर सतपथ को पकड़कर हरिद्वार में जाकर गंगा में नहाकर विष्णु के मंदिर में भर्ती होकर भगवान की पूजा आराधना और शास्त्र की पठन साधु महात्माओं की संग भगवान के नामों का जप और दिव्य पर्यावरण ने अपने आप को डाल लिया उसने इसका मतलब है दिव्य वातावरण प्राप्त होता है तो उधर आने के लिए भी खुद को एक यथन करना पड़ता है एक व्यक्ति रहता था जगन्नाथपुरी में है उसके नाता रिश्ता आते थे लोगों ने बोला कि आप बड़े भाग्यशाली हो जगन्नाथपुरी में ही तुम्हारा जन्म हुआ है उधर ही रहते हो तुम जय श्री श्री रामनाथ नदी का तो वो लोग लगे जी जित्यादी डालकर नहा धोकर जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए इसका बीस साल हुआ जगन्नाथपुरी में लेकिन एक भी बार दर्शन के लिए नहीं गया है तो रिश्तेदार ने पूछा क्यों नहीं जाते वो बोला हम तो है ही जगन्नाथपुरी में कभी भी हम जा सकते हैं ऐसे बोल बोल कर कभी दर्शन के लिए नहीं गया हो इस तरह कभी कभी बहुत आसानी से सस्ते से मिल जाता है तो इंसान उसको गंभीरता से नहीं लेता कुछ कुछ लोग आजकल ऑनलाइन में कनेक्ट करते हैं हा? जैसे पा, पांच सौ तो एक हजार मील दूर से वो लोग आते हैं कभी हुँ? एक व्यक्ति आया था राधा चंद्र मंदिर में पांच सौ मील दूर से आया है वो कहीं से वो बोला कि हमने ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड किया बहुत अच्छा लगा हमारे प्रचारक जो पिक्चर दिखाते थे राधा चंद्र की है। देख देख कर आसक्ति बढ़ गया भगवान की वो ऊपर अभी हम माला तक आ गए जब माला चालू किया हमने हमारी इच्छा हुई भगवान के पास जाकर हम रिपोर्ट करके चले जाए जाएंगे इसलिए हम आए इतना दूर आए वो लोग पति पत्नी आए थे ऐसे तो कभी कभी संग मिलता नहीं लोगों को लेकिन जिनको मिलता है उसका लाभ लेकर हमको हमारे मध्य को सुधारना सुधारना चाहिए इस तरह है तो अभी कभी कभी पर्यावरण एकदम गंदे होने के बावजूद भी ये कमल कैसे रहता है एकदम साफ सुथरा रहता है उसके निकट सब कीचड़ होता है उसके इस तरह आप हाँ देख सकते हैं कुछ भक्त हैं जैसे प्रहलाद हा? प्रहलाद के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा उनके पिताजी की हम पूरे के पूरे शत प्रतिशत असर पड़ा नारद मुनि की इतना तक कि असर पड़ने की बात छोड़ो रालाद ने अपने मित्रों को भी भक्ति में जोड़ दिया हु? उनको प्रचार करके तो गुरुकुल के डर गए अरे इस बच्चे को रखेंगे आश्रम में पूरे सबके सब, सब लोगों को हरे कृष्ण बना देगा वो ऐसे डर गए तो आसुर असर उनके ऊपर नहीं पड़ा लेकिन दैवी संपत्ति जो है राहलाद मेहता भगवान की फिर भक्ति प्रीति उसको वितरण कर दिया उन्होंने ऐसे इसी तरह आप देखेंगे उधर के बीच में रहते थे उधर दुष्ट चतुष्ट बोलते हैं, चार दुष्ट लोग रहते थे कौन जैसे दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण इत्यादि लोग वो लोग आप अक्सर वो लोग अधर्म के संबंध में बातें करते थे लेकिन उसके बीच में भी विष्णु पितामा का मति इति मति रूपकल्पिता है भागवत में उनके मति शुद्ध रहा साफ रहा और हमेशा भगवान का चिंतन करते रहा इसका निरूपण क्या है प्रूफ क्या है रणभूमि में वो भगवान कृष्ण को देखकर मुस्कुरा रहे थे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे विष्णु पितामह जिस रणभूमि में लोगों का सर उड़ रहा है उधर भी उन्होंने भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया वीर रस में इतना ही नहीं जब वो सरसया में लेट गए तब भगवान खुद आकर उनके समक्ष आकर बैठे और उनके मुख से भगवान ने विष्णु सहसन नाम का श्रवण किया प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने और जवाब दिया विष्णु पितामह ने और श्रवण किया प्रभु भगवान श्री कृष्ण खुद बैठकर उसका श्रवण किया भगवान ने और भगवान ऐसे मुस्कुराते हुए उनके समक्ष दर्शन दिया उनको देखे देखते देखते संक्रांति के दिन उनका वैकुंठ गमन होता है इसका विषम पितामा का आप देखते हैं इसका मतलब है वो ऐसे आसरी पर्यावरण में थे वो लेकिन असर नहीं पड़ा उसका उनकी हाँ इसका मतलब है पर्यावरण एकमात्र कारण नहीं है कुछ लोग बोलते मैं क्या करूं हमारे स्कूल में फ्रेंड सब खराब है वो लोग बोलते हैं अरे खराब लोगों के बीच में भी प्रहलाद कैसे रहा ष्म पितामह कैसे रहे अक्रुर जी कैसे रहे कंस के सभा में आप देख सकते हैं विभीषण कैसे रहा उधर लंका में लंका नगरी में राक्षस ही राक्षस लोग थे उधर लेकिन रोज वो नाम जपता था श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे तो हमें एक चीज समझना चाहिए इस तरह पर्यावरण की असर ना पड़ने का कारण क्या है वो कारण भी शास्त्र में बताया गया है अगर हम लोग नियमित रूप से स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय करने से दिव्य ज्ञान जग जाता है लेकिन प्रभुपा जी लिखते हैं भगवत गीता में बुकिश नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन इज यूजलेस ऐसे लिखते हैं प्रभुपा जी सिर्फ जैसे तोता होता है वह हरे कृष्णा बोलता है वो उसका गला पकड़ो क्या क्या बोलेगा वह उसको उसका हरे कृष्ण बोलने का मतलब नहीं है उसका इसलिए हम लोग किताब पढ़ना ही हमारा उद्देश्य नहीं है कुछ कुछ लोग किताब पढ़ते पढ़ते बड़े पंडित बनते हैं लेकिन भक्तों के साथ उनका संबंध ठीक नहीं रहता है इसलिए स्वाध्याय करने के बाद संग करना चाहिए वैष्णव का संग करना चाहिए वैष्णव के बीच में आना चाहिए परस्परा पावन भगव मितोरुष्टि निवृत्तिर्मित आत्मन सदा मम वीर संविदो बवंति हृदय कथा भक्ति इन अनुकों में यही बात के ऊपर जोर दिया गया है कि हमें सत्संग में आना चाहिए भक्तों के साथ चर्चा करनी चाहिए गीता भागवत इत्यादि की इस करने से हमारे भौतिक इच्छाएं दूर भाग जाते हैं और हमारे अंदर भगवान के लिए प्रीति जगता है और भक्तों के बीच में प्रेम में संबंध स्थापित हो जाता है हा? हा? और मन में संतुष्टि प्राप्त होता है भक्त को और दुनियादारी चीजों के लिए जो तृष्णा है वो मिट जाता है ऐसा बताया गया है और एक श्लोक भी भागवत में मदाश्रया कथा मृष्ठ वो नहीं है मदाश्रया कथा मृष्टा शिणवंति कथयंत कथयंति चपंति वेदास्ता नैतान मदगत चेत वो दूसरा श्लोक है और एक श्लोक है निर्वैरम सर्वभूतेश नोद्वेगो यत्र कश्चन व्हाट तो फर्स्ट लाइन निर्भयम नो ओ सेकंड लाइन बोलता हूं आपको निर्वैरम का मतलब है कथा श्रवण करने से आपके अंदर वैरी भावना चला जाता है नो 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 दिस इज अनदर वन निर्वैरम सर्वभूतेश ना न उद्वेगो यत्र कश्चन सब जीवन की ओर वैरी ईर्ष्या भावना चला जाता है हा? और उत्तेजित हो जाना भौतिक झगड़े में सब चला जाता है ऐसे बताते हैं किसी डर भी नहीं है क्रोध भी नहीं है ईर्ष्या भी नहीं है ये सब चला जाता है कथा साथ में आकर चर्चा करने से ऐसे बताते हैं और और एक श्लोक है निर्भय राम निर्भयेश तो इस तरह भक्तों के तो एक तो बोला मैंने स्वाध्याय करना खुद भी स्वाध्याय कर सकते हैं लेकिन उसको आकर चर्चा करना चाहिए भक्तों के संग में आकर उसको क्या बोलते हैं साधु संग है। साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति रसदया शिवन पाला चीज साधु संघ बताया गया हाँ? और इसके बाद ये करने के बाद क्या होता है भगवान की ओर आकर्षण बढ़ता है तब एक व्यक्ति बैठकर अगर नाम जप करता है हाँ? तब नाम जप में लगन आता है एक दृढ़ता के साथ अगर कोई नाम जप करता है तो नाम जप का लक्षण है वो हमारे भौतिक इच्छाओं को खत्म कर देता चूर चूर कर देता है वो नाम जब जैसे हरिदास को तीन लाख नाम जपते हैं एक सुंदर वेश के लिए उनके चरित्र को तोड़ने के लिए आई लेकिन वो खुद ही भक्त बन गई वो है। कारण क्या है उनके अंदर आसक्ति जो था वो मिट गया था वो नाम जब अच्छा करने से लेकिन अगर आसक्तियां मिट गया तो अहंकार आ जाता है कभी है। इसलिए हमें नम्र सेवा भी करनी चाहिए इसलिए पता क्या वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा जीव दया ये सब करना लेकिन नाम जब से भौतिक इच्छाएं छूट जाते हैं और स्वाध्याय से हमारे अंदर जैसे एक अंधेरे कमरे में रोशनी को जला दो हा? एक लाइट जला दो रोशनी आ जाता है इस तरह क्लैरिटी और विजन है जीवन में क्या कैसे आगे बढ़ना भगवान को कैसे प्राप्त करना दिशा मिल जाता है हमको हा? और साथ संग से साक्षात्कार उत्पन्न होते हैं और और भी समझावट बढ़ जाता है अमर अंत तो नम्रता प्राप्त होता है खास करके साल संग में आने से सदाचार बढ़ता है एक भक्त की तो इन चीजों को करते हुए जैसे दूध होता है उसमें पानी मिलाते जाओ मिलाते जाओ क्या होता है वो पानी पानी हो जाता है इस तरह कुछ लोगों के लिए पर्यावरण में जब रहते हैं वो पर्यावरण के असर इतना बढ़ता है वो लोग भी पर्यावरण में जो होता है वो ही करते हैं कुछ कुछ बच्चे अभी भक्तों के घर में जन्म लिया है माता पिता दोनों भक्त हैं तो बचपन में इन्होंने तुलसी की आरती की भगवान की पूजा की नाम भी जब किया तिलक पाना लेकिन अगर काले में चले जाते हैं सब उनका बदल जाता है क्या पहनते हैं टी शर्ट पहनते हैं जीन्स पहनते हैं लड़का लड़की के साथ घूमते हैं उनका सब बिगड़ जाता है पूरा चरित्र क्योंकि पहले जो किया उनको ज्यादा जानकारी नहीं है अंडरस्टैंडिंग नहीं है ऐसे ही कुछ रीति रिवाज किया पहले घर में छोटे पर्यावरण से मिल जाते हैं, वो बोलते हैं सब लोग करते हैं हम क्यों नहीं कर सकते सब लोग सिनेमा देखते हैं हम भी देखेंगे सबका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारा भी होगा ऐसे वो हो करते हैं इसका मतलब है वो बिगड़ जाते हैं वो लोग लेकिन इसके विरुद्ध वो दूध होता है उसको दही बनाकर दही से आकर माखन बनाया आपने आप माखन में पानी मिलाते जाओ मिलेगा क्या वो नहीं यही साधना का असर है अगर हम अच्छा साधना करके हमारे हृदय में दृढ़ता को प्राप्त करेंगे माखन जैसे तो हम दुनिया के प्रभाव से उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा जैसे हमने उदाहरण दिया प्रहलाद जी के उदाहरण दी इस तरह तो हम लोग आ, इधर भी देखते हैं बलि महाराज वो हिरण्य का उदाहरण बोल सकता था वो करेक्ट है ना उनका उदाहरण नहीं है उनके ही पूर्वज हैं है? उनका उनका नाम लिया किसका नाम ले रहा है मतलब क्या है निर्णय कर लिया कि मैं प्रहलाद शुद्ध भक्त जो है मेरे वंश उनको फॉलो करने वाला हूँ मैं हिरण्य को फॉलो नहीं करूँगी हिरण्य और मिटाओ है तो भगवान के विरुद्ध चला मर मिटाओ हम काम का नहीं इसके विरुद्ध प्रहलाद जी जो भगवान के शुद्ध भक्त बने महान बने इसी तरह बलि महाराज उनका नाम लेकर बोल रहा मैं भी उसी पथ में चलूंगा और इनका भी नाम बारह नाम में आ गया द्वादश महाजनों में करेक्ट है करेक्ट है ना इनका नाम भी आ गया किसका बलि महाराज का स्वयं भू नारद शंभु कुमारक कपिलो बनो प्रहलादो जनको भीष्मलेर धर्मान भागवतान तो इस लोग में बताया गया कि गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम ये भागवत की दिव्य ज्ञान जो है गुह्य है भगवान उनको ही देते हैं जिनका एटीट्यूड सही है उनको ही देते हैं भगवान है विशुद्धम ये शुद्ध ज्ञान है कर्म ज्ञान का मिश्रण नहीं है इसमें दुर्बोधम का मतलब पंडित लोग भी समझ नहीं सकते हैं लेकिन अनपढ़ अंगूठा चा समझ सकता है इसको दुर्बोधम क्योंकि आप देखेंगे दक्षिण भारत के ब्राह्मण जो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि पार्थार्य को देखकर वो क्या कमें अशुभ रहने लगा क्योंकि भक्ति उनको समझ में आ गई है? लेकिन पंडित लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए भगवान भक्ति देते हैं उन लोगों को जिनमें प्रामाणिकता है ईमानदारी है भगवान दैवी दैवीय को पकड़ने के लिए तैयार है वो लोग उनको देते हैं तो जन्म लिया बलि महाराज ने आश्चरी परिवार में लेकिन भक्तों के पथ में चला तो महान भक्त बना और मुझे लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार बोल रहे थे हम लोग पालकी के साथ जा रहे हैं पंडरपुर जिस पथ में महात्मा पुरुष गए हैं तो कारम जी गए हैं और अनेक महात्मा पुरुष गए हैं उस पथ में हम महात्मा पुरुषों के श्री चरणों को तो देख देख कर हम आगे बढ़ते जाएंगे हम उधर पहुंच जाएंगे जिधर महात्मा लोग पहुंच जाएंगे वो तो वैकुंठ जा रहे हैं हम भी वैकुंठ पहुंच जाएंगे अगर हम न, जो लोग कुपत में चलने वाले लोग पीछे पीछे जाएंगे वो लोग नरक में जाएंगे हम भी उधर पहुंच जाएंगे आप जिसके पीछे जाते हो आप वो जिस गति को प्राप्त करता है वही गति आप भी प्राप्त करोगे इसलिए हम संघ को बहुत सोच विचार कर चुनना चाहिए संघ से हमारे भक्ति में वर्धन होने चाहिए घटन नहीं होनी चाहिए भक्तों के बीच में भी अगर कोई अपराधी हो हम संग नहीं करते हैं क्योंकि अपराधी विविध भक्तों के दोषारोपण करने वालों से संग करने से हमारे मति भी बिगड़ जाता है भक्तों के और आदर आदर चला जाता है और हम कुछ संग में जुड़ जाते हैं इसके विरुद्ध अगर कोई दोष भी देखता हो भक्तों में लेकिन उचित चीज क्या करना चाहिए जिससे दोष को निकाला जाए वो बोलना चाहिए वो मध्यम अधिकारी है मध्यम अधिकारी का मतलब है वो दिखाएगा दोष लेकिन दोष को निकालने का मार्ग भी बता देगा वो हम्म hmm. अनिश्चित अधिकारी क्या करता है दोष दिखाता रहेगा बोले ए टिक नहीं वो टिक नहीं कुछ टिक नहीं ये सब खराब है बोलेगा हा? तो ऐसे बोलने वाला कुछ ठीक नहीं कर पाएगा हा? अगर कुछ जो उपाय बता सकता है ठीक कैसे करना वो सही पकता है करेक्ट है ना तो हम प्रवचन को इधर देते हैं रेव तो आगे क्या किधर है Ah uh, you are supposed to answer questions for fifteen minutes, I am coming back, huh? I'll take my my fruits and come back, huh? I either I hear again. I'll say it again, no problem. हरे okay. कृष्णा अगर किसी को प्रश्न है अभी दस मिनट में प्रो जा आ रहे है, तो दस मिनट तक हाँ श्रीमान रेवतीपति प्रो है तो उनका भी हम स्वागत करते एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे तो प्रभु जी आने तक किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हैं प्रश्न नहीं है तो पॉइंट पॉइंट भी बता सकते अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ऑफ़ सो नाइसली स्पेशली तो एक प्रश्न है जो बार बार मन में आता है कि हम अभी कुछ साल भक्ति किया है हमने तो अभी इसके बाद में हमें सब कुछ पता चल सब कुछ मतलब बहुत सारी चीजें पता चल गई है भक्ति में तो एक हमारा एक ऐसा मोड आता है कि जिसमें हम परफॉर्मिंग मोड में आ जाते हैं मतलब कि जस्ट कि मैं मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ अच्छे से मैं भक्ति किया है तो फिर अभी जब कहाँ पे कुछ का सेवा है तो फिर सेवा करने के लिए आऊंगा लेकिन ऐसा खुद का नरिशमेंट के लिए मैं भक्तों का संग में आऊंगा और मतलब अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा ऐसा वो फीलिंग ना रहा है जैसे कि पहले होता था जो हम जो पहले भक्तों के संग में बहुत अच्छे से आके करते थे तो उसका रीजन क्या है और उसके लिए सोल्यूशन क्या है हरे कृष्ण मेरा सौभाग्य है यहाँ पर आने का फिर से अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी के बीच में का शेड्यूल मैंने कल रात को देखा साढ़े दस बजे तो देखा कि ने लिखा है ब्रेकफास्ट लेना है तो दस मिनट के लिए, सर के लिए। प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो हमें सदैव प्रभावित करते हैं और प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर जाने के लिए काफी समय लगता है जब शुरू में हम भक्ति शुरू करते हैं तो एक उत्साह मई नाम का एक स्तर रहता है उस पर उत्साह के कारण हमको ऐसा लगता है कि हम अभी जो हमारे ऊपर जो गुणों का प्रभाव है उससे शायद हम मुक्त हो गए और गुणों का जो प्रभाव है वो हमारी जो आदतें हैं या मनोभावना है उनके रूप में हमको समझ में आता है उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे तो गुण दिखते नहीं ना गुण तो दिखते नहीं बाहरी रूप से लेकिन हमारी जो आदतें हैं हमारे मन के जो विचार हैं ये भक्ति करने के कुछ समय के बाद फिर से वापस आ जाता है, तो इसलिए जब हम कुछ समय भक्ति करते हैं तो बहुत उत्साहपूर्वक करते हैं ध्यानपूर्वक करते हैं और बाद में फिर हमारी पुरानी भावनाएं वापस आ जाती हैं तो फिर से हमको जो भक्ति भी करना है तो कुछ एक एक कार्य के रूप में करना है इस कार्य को करने से क्या मिलेगा क्या लाभ होगा या फिर नहीं करने से इसको क्या हानि हो जाएगी उस प्रकार की भावना आ जाती है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए गुरु की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें सेवा करें या अपनी भक्ति करें यह भावना थोड़ी कम हो जाती है या ढक जाती है तो उसके लिए सर्वप्रथम तो अपना जो श्रवण का कार्यक्रम है उसको बहुत सुचारू रूप से चलाना चाहिए क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही मार्गदर्शन प्राप्त होता है इसीलिए जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं तो गुरु को समर्पण करते हैं तो समर्पण हेतु गुरु से नियमित रूप से सुनना बहुत बहुत आवश्यक है और अभी तो सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से एक तरह से देखा जाए तो सुविधा बढ़ गई है हालांकि ये रिप्लेसमेंट नहीं है अगर हम मंदिर के पास रहते हैं तो प्रतिदिन आना चाहिए दूर रहते हैं या सुबह के समय घर के कार्य इत्यादि हैं तो घर पर ही मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए और सुनना चाहिए तो ये हमको प्रण लेना चाहिए कि हर दिन हम श्रवण करेंगे प्रभुपा जी का श्रवण करेंगे या फिर गुरु महाराज से श्रवण करेंगे और श्रवण के बारे में भी महत्व तो जानने के लिए भी श्रवण ही करना पड़ता है कभी कभी लेक्चर होता है इंपोर्टेंस ऑफ हियरिंग लेकिन वो सुनना तो पड़ेगा नहीं तो इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग भी पता नहीं होगा इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग पता नहीं होगा तो फिर हियरिंग नहीं करेंगे हियरिंग नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं पड़ेगा तो श्रवण करना बहुत आवश्यक है और श्रवण करते करते उसके बाद जो श्रवण का आगे का कार्य है मननम यानी कि जो श्रवण किया है उसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए क्या सुना और उसके बाद नीति होना मतलब उसको जीवन में कैसे लगाना है इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जैसे खाना खाया लेकिन अगर कोई उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो लाभ नहीं होता है क्योंकि अभी पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के पेट में तो खाना खाते हैं लेकिन लाभ नहीं हो पाता है तो उसी प्रकार से सुनने के बाद उस पर मनन करना और फिर उसको जीवन में कैसे लगाना है उसके बारे में विचार करना ये अनिवार्य है भक्ति का अंग है श्रवणम का ही अंग है श्रवणम मननम नितिध्यासन कभी कभी हम एक ही अंग लेते हैं तो पूरा चीज तैयार नहीं होगा जैसे हलवा बनाना है तो रवा चाहिए शक्कर चाहिए पानी चाहिए केवल एक आइटम से नहीं बनेगा पूरा रेसिपी है तो इसीलिए श्रवणों के बाद विचार करना चाहिए क्योंकि भक्ति के पथ पर प्रगति करने के लिए थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना स्वयं को देखना कि हम क्या कर रहे हैं हमारे मन में क्या भावना आ रही है हमारा जो कार्य करने का उद्देश्य क्या है हमारे जब की गुणवत्ता क्या है और हमारा जो भक्तों के साथ संग है उसकी गुणवत्ता क्या है ये विचार करना ही पड़ेगा भक्ति हालांकि सरल है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है कभी कभी हम सरलता के लिए उदाहरण देते हैं नए लोगों को कि एस्केलेटर पे आप चढ़ जाइए अपने आप चढ़ता जाता है तो भक्ति करना सरल है लेकिन ये जानना पड़ेगा भक्ति करना क्या है तो भक्ति करने के अंतर्गत ही ये विचार करना कि हम जब कैसे कर रहे हैं भक्तों का संग कैसे कर रहे हैं भगवान के प्रति प्रार्थनाएं कैसे अर्पण कर रहे हैं ये सब भक्ति का अंग है ये सब करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक है लेकिन ये नहीं करेंगे तो केवल जो बाहरी कार्यक्रम है कि माला जप लिया और नियम पालन के ये ये ठीक है लेकिन इससे प्रगति स्वतः ही नहीं होती थोड़ा विचार तो करना पड़ता है भक्ति का अंग है वो भक्ति का अंग है कि थोड़ा समय निकाल करके वरिष्ठों के साथ बैठ करके थोड़ा विचार करना कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है उसमें क्या बाधा आ रही है उससे ऊपर कैसे उठना है उसके लिए स्पेसिफिक कभी कभी प्रवचन भी सुन सकते हैं या जब वरिष्ठ भक्त आते हैं तो उनसे चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है इसके लिए क्या करना चाहिए क्योंकि ये जो आ, ये है गुहम माख्याति पृछति है या फिर प्रणी पाते ना परिप्रष्ट है ना तो ये ना यानी कि भक्तों का संग करना प्रश्न पूछना उत्तर प्राप्त करना या जो भी हमारे जीवन में चल रहा है उसको चर्चा करना ये भक्ति का अंग है भक्ति का आवश्यक अंग है भक्तों का संग का अर्थ ये होता है कि एक दूसरे से हम प्रेरणा प्राप्त करें भक्ति में और तीव्रता प्राप्त करने के लिए तो ये होता है गुणों के कारण क्योंकि तो सत्वगुण में रह पाना इतना सरल नहीं है रजोगुण वापस आ जाता है और रजोगुण में हर व्यक्ति सोचता है कि ये करने से क्या मिलेगा प्रोटीमेंट्री डा जाता है या ये नहीं करने से क्या नुकसान होगा तो उसके कारण फिर ऐसी भावना बन जाती है और उसको ऊपर उठने के लिए हमको श्रवणम ठीक से करना पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा कि ये जो वैदिक भक्ति है ये नियम से की जाती है इसके लिए ऐसा नहीं है कि अंदर से प्रेरणा रहेगी जैसे आदमी जब दवाई लेता है तो दवाई कड़वी होती है लेकिन बीमारी पता होने के कारण व्यक्ति दवाई नियम से लेता है कभी कभी तो आयुर्वेदिक दवाई में काढ़ा बनाना पड़ता है कड़वी जड़ी बूटी लेनी पड़ती है तो उसी प्रकार से हमको क्या है नियम को कठोरता से पालन करना है कि हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम करना ही है चाहे यहाँ आके करें या घर पे करें जैसा भी संभव हो और हर दिन कम से कम आधा घंटा सुनना ही है हर दिन कम से कम आधा घंटा पढ़ना ही है आवश्यक है इसको करने को ही भक्ति कहते हैं जब ये करेंगे तो क्या है प्रेरणा बनी रहेगी प्रेरणा बनी रहेगी तो फिर हमारा उत्साह भी भक्ति में बना रहेगा और हमारा जो चेतना है भावना है वो भी शुद्ध हो जाएगी तो एक तो अंतकरण में मनन करना है हाथ में निरीक्षण करना है दूसरा है कि जो नियम है उसको नियम मान करके पालन करना है सुबह उठना है मॉर्निंग वॉक करना है जब करना है रुचि आए या नहीं आए लेकिन इतना तो करना है नियम तो से करना है केवल टेस्ट कारण नहीं करना है तो उससे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होकर हम चेतना में प्रगत बनते हैं फिर हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं ये सुनने से समझ में आता है हर दिन सुनेंगे तो धीरे धीरे हमको उसका असर आता है फिर हम धीरे धीरे सोचते हैं भगवान की प्रसन्नता का मतलब क्या है क्योंकि शुरू में तो ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं वही भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं शुरू में ये अंतर भी पता नहीं होता है जो हम कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं जो हम व्यवहार कर रहे हैं वही भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और क्या प्रसन्न कर रहे हैं ऐसा लगता है एक नव, नए भक्त को और जो बाकी लोग कर रहे हैं वो प्रसन्न नहीं कर रहे ये भी लगता है ये भी लगता है धीरे धीरे प्रगति करता है तो समझ में आता है कि मेरे व्यवहार से शायद गुरु और कृष्ण पूरी तरह प्रसन्न नहीं है थोड़ा सुधार की आवश्यकता है अगर हम हम खुद स्वयं में कमियां देख पाए और इम्प्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी देख पाए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट अगर हम खोज पाए तो ये भी भगवान की कृपा है प्रगति का लक्षण है नहीं तो नए भक्त को तो पर सब परफेक्ट लगता है तो ये भी प्रगति का लक्षण है तो इसीलिए श्रवणम पर ध्यान देना है और जो विधि बताई है उस विधि को यथावत पालन करना है ठीक है हरे कृष्ण हरे कृष्ण भाज प्रणाम रोजी जैसे गृहस्थाज में स्पेशली जब हम जब कोई डिवोटी बनते हैं हम लोग वॉइस में और आगे जाके गृहस्थ बने तो कई सालों के बाद ये देखने को मिलता है कि वो डिवोटीज अपना कोर कॉम्पिटेंसी ढूंढते हैं या ऐसी चीज ढूंढते हैं जिसमें जिससे उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले कभी कभी इस्कॉन में या फिर टेम्पल में वो सर्विसेस ना मिले तो बाहर हम वो सर्च करते हैं डिवोटिस और उस प्रकार से अपने करियर में अलग अलग जगह पर वो कोर कॉम्पिटेंसी में स्थित होने का ट्राई करते हैं उसके लिए तो ऐसे में किस तरह से हमें सोचना चाहिए क्या हमें उस हिसाब से गाइड करना चाहिए अपने लाइफ में भी उस हिसाब से सोचना चाहिए या फिर जैसे रिक्वायर्ड है उस तरह से रहना चाहिए क्या उसके बाद अगर स्थित हो गया अगर उसके कोर कॉम्पिटेंसी प्रॉपर उसको उसके हिसाब से जैसे क्षत्रिय तो उसको उस हिसाब से जॉब मिल गया वर्क मिल गया क्या उसके बाद उसकी भक्ति और अच्छे से चलती है या क्या उसके बाद वो भक्ति में और अच्छे से स्टेबल तरीके से चलता है देखिए कोर कॉम्पिडेंस ढूंढने में और भक्ति करने में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है पहले ये समझना चाहिए अपोजिंग चीजें नहीं है अगर कुछ हमारे अंदर क्षमता है तो क्षमता को हम भगवान की सेवा में या तो सीधे सीधे लगा सकते हैं अगर ऐसा है किसी को डीटी वर्शिप में टेस्ट है तो डीटी वर्शिप कर सकता है या किसी को प्रचार में टेस्ट है तो प्रचार कर सकता है और अगर ऐसा कुछ चीज है जो कि डायरेक्ट हम इसकोन में यूज नहीं कर पा रहे लेकिन वो हमारा जो व्यवसाय है फैशन है क्योंकि ग्रस्तों का धर्म है धन अर्जन करना है क्योंकि तीन जो आश्रम है ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यास उसमें से केवल ग्रस्थ को ही अनुमति है धन अर्जन करने की बाकी तीन आश्रम का अनुमति नहीं है तो तीन आश्रम को ग्रहस्थ भक्तों को ही सपोर्ट करना पड़ता है तो धनार्जन में कोई समस्या नहीं है बस शर्त की जो धन अर्जन कर रहे हैं वो हमारे साधना भक्ति के कीमत से नहीं किया जाए यानी साधना भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम नहीं करें इतना नहीं करें कि हम पंद्रह सोलह घंटे काम कर रहे हैं जब करने के लिए समय नहीं है सत्संग में आने के लिए समय नहीं ऐसा नहीं तो जो भी हमारा एक क्योंकि कोर कॉम्पिटेंस मतलब क्या है कि वो एक प्रकार की शक्ति है एक प्रकार की विभूति है जो भगवान ने हमको प्रदान किया तो इसलिए उसको किस प्रकार हम सेवा में जोड़ सकते हैं वो सोच सकते हैं और साथ साथ जो भक्तिमय कार्य है कभी कभी ऐसा होता है जब मन हमारा स्थिर है हमारा जो कार्य है व्यवसाय का कार्य वो ऐसा है जो कि हमको आता है जैसे मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वैसा ही जॉब कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसको ज्यादा चिंता नहीं है उसको वो पता है उसने उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया लेकिन अगर कोई आया है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जॉब कर रहा है सॉफ्टवेयर का जो पता नहीं है तो काफी समय देना पड़ेगा उसको सीखने के लिए उसमें बने रहने के लिए तो इसलिए अगर उसका कोई कोर कॉम्पिटेंस है और उससे समन्वय हो सकता है और उसको वह अर्थ के रूप में परिवर्तित कर सकता है यानी उसके माध्यम से वो धन अर्जन कर सकता है तो कोई परेशानी नहीं है उसमें लेकिन भक्ति करने का जो उत्साह है भक्ति की जो स्टेबिलिटी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद के डिटर्मिनेशन का दृढ़ निश्चय का है और दूसरा उसमें सत्संग का बहुत महत्व है क्योंकि तो कई लोग कोर कॉम्पिटेशन में जाने के बाद इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस भौतिक रस में कि कभी कभी भक्ति छीण हो जाती है तो वैसा नहीं होना चाहिए वो केवल होना चाहिए जैसे कि मन हमारा विचलित नहीं रहे कि हर बार हमको कोई नया सीखना पड़ रहा है वो जो हमको आता है वही हम कर रहे हैं इसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं वर्णाश्रम मतलब अपने वर्ण के अनुसार व्यक्ति स्थित है लेकिन हर एक वर्णाश्रम का जो व्यक्ति है वो भक्ति नहीं करता है भक्ति करने के लिए जो उत्साह आता है वो सत्संग से आता है वो श्रवणम कीर्तनम से आता है केवल उस भाग से नहीं आता वो हम भक्ति कर रहे हैं अगर ये भाग हमारा ठीक तरह से स्थित है तो हम थोड़े और स्टेबल थोड़ा स्वयं को अनुभव करेंगे लेकिन फिर भी भक्ति तीव्रता से करने के लिए भक्तों का जो संग है और जो श्रवणम है और भक्ति में सेवा है उसमें लगना पड़ेगा उससे भक्ति के प्रति जो उत्साह है वह जागृत होता है केवल अपना कोर कॉम्पिटेंस में सेटल होने से भक्ति में उत्साह ऑटोमेटिक नहीं आता है टाइम मिल जाएगा लेकिन उस टाइम के अंदर भी इंटरेस्ट जागृत करने के लिए ये करना पड़ेगा सत्संग करना पड़ेगा विशेष रूप से भक्तों के संग में आकर के श्रवण करके फिर सेवा करके वो वो करने से भक्ति का उत्साह बढ़ेगा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बस ये है कि ये अनुकूल चीज है अगर हम कोर कॉम्पिटेंस के अनुसार हमारे व्यवसाय में स्थित हैं तो ये हमारे भक्ति के लिए अनुकूल बन जाता है भक्ति नहीं बनता है अनुकूल बन जाता है क्योंकि उससे हमारे उनको इतना जो एक टेंशन है एंग्जाइटी है एक तरह का डिसेटिस्फेक्शन वो नहीं रहता है लेकिन इसके बाद वो अनुकूल होने के बाद फिर हमको भक्तिमय कार्य में आगे बढ़ने के लिए भक्ति ही करनी पड़ेगी क्योंकि भक्ति करने से ही भक्ति में वृद्धि होती है भक्तिमय कार्य करने से ही भक्ति में और अधिक कार्य करने का उत्साह प्राप्त होता है तो कोर कॉम्पिटेंस को प्राप्त करते समय भी भक्ति करनी चाहिए और जब सेटल हो जाए तब भक्ति को और तीव्र करना चाहिए ठीक है अरे शायद आपके सब प्रश्नों का समाधान हुआ होगा करने के लिए बाद में जो भक्ति भगवान पसंद था जो प्रेरणा प्रेरणा नहीं मिलती करते हैं लेकिन इनको पसंद करने तो वाला लोग नहीं रहता किस कारण से ऐसा बदलाव होता है और... इसका नहीं कारण है इसका सर्वप्रथम कारण है पापाचार है पापाचार से हमारा रुचि घटता है इसलिए चार नियम रखा प्रभा जी ने न अवैध संग नहीं मांसाहार नहीं नशा नहीं दूत क्रीडा नहीं तो अगर इसमें हम शीतलता लाते हैं तो उससे थोड़ा रुचि घटता है और एक कारण है अपराध वैष्णव का अपराध जब कर कर बैठते हैं शुरुआत में हम सबको आदर देते हैं धीरे धीरे देर पहचान होने के बाद सन्निकर्षो अत्र अनादरण कारण ऐसे दशम स्कंद में भगवान कृष्ण बताते हैं अनादरण कारण मतलब निकट आने से अति अतिपरिचयात अवज्ञा अवज्ञा होता है तो अगर वैष्णव को निंदा कर दिया हमने तो रुचि घट जाता है वो भी एक कारण है और एक कारण है हम लोग शुरुआत के दिनों में क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं थोड़ा बड़े होने के बाद क्लासेस अटेंड करना छोड़ देते दे। हैं बात आते नहीं रेगुलर क्योंकि बोलते हैं कि अभी सेवा बढ़ गया मैनेजमेंट बढ़ गया टाइम नहीं है हमको क्लास के लिए तो श्रवण श्रवण आदि जल बताया गया तो श्रवण और कीर्तन जो है वो पौधे को अगर पानी सिंचन करेंगे उसके सामने है हा? तो अगर सिंचन किया तब तो पौधा बढ़ता है ना अगर पानी देना बंद कर दिया तो सूख जाएगा ना वो वो ये कारण है लगातार ना सुनने के कारण वो भी क्योंकि श्रवण और कीर्तन जितना भी हम सीनियर देवोटी बन जाए हम ऊपर उठना बहुत आवश्यक है और चौथा है कभी कभी हम डरते हैं कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में जो शंकाएं है, हैं उसको मैं अगर प्रकट करूंगा शंकाओं को पूछूंगा तो हमारे इज्जत कम हो जाएगा भक्तों के समाज में लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में इसलिए हम प्रश्न पूछेंगे नहीं आ, वो, वो पर ही ऊपर अच्छे टिक टाक वक्त जैसे दिखते हैं हा? लेकिन अंदर बहुत शंकाएं हैं जैसे एक वक्त आकर मुझे पूछा तो जी मैं एक प्रश्न पूछूंगा किसी को बोलने का नहीं आठ ठीक है आप गॉड प्रॉमिस आप बताइए ठीक है मैं गॉड प्रॉमिस बोल दिया उनको किसी को नहीं बोलूंगा लेकिन बोलूंगा ये प्रश्न उत्तर आपका नाम नहीं लूंगा ऐसे मैंने बोला वो मान लिया ठीक है ठीक है ये प्रश्न बोल सकते हैं लेकिन मेरा नाम कभी नहीं लेगा नहीं तो हमारी इज्जत की बात है ऐसे बोला तो क्या है वो बोल रहा है कि देखिए जब हलाहल निकला भगवान ने शिव जी को पिला दिया लेकिन जब कवस्तु में निकला खुद पान लिया ये क्या विधि है ये लगता है कि भगवान अच्छे चीजों को खुद ले लेते हैं है? और विषय चीजों को किसी और को दे देते हैं तो ये जब सोचता हूँ जी हमारा जब ठीक तरह से नहीं होता भगवान के बारे में कुछ बुरे विचार आते हैं मन में ऐसे बोला उसने तो मैंने उसको बोला देखो भगवान शिव जी को क्यों बुलाया शिव जी वैष्णवा नाम hmm. उनकी यश बढ़ाने के लिए भगवान ने उनको बुलाया अभी उनका नाम क्या पड़ा विष पीने के बाद नीलकंठ hmm. नीलकंठ नाम से जगत प्रसिद्ध है शिव जी हम्म यश बढ़ा दिया भगवान ने और जब भगवान ने देखा कौस्तुभ निकला भगवान ने सोचा अरे सामंतक मणि के कारण पांच लोग का वध हुआ अगर एक निकला तो हजारों लोग का वध होगा क्योंकि इसको हैंडल करने की क्षमता जीवन के पास नहीं है तो भगवान से तो एक ही व्यक्ति इसको हैंडल कर सकता है कौन मैं इसलिए खुद पान लिया भगवान ने भगवान के पास रहेगा तो कोई स्पर्धा नहीं रहेगा अगर किसी और को देंगे तो स्पर्धा के कारण एक दूसरे का मारा मारी होगा इसलिए मैंने बोला वो समझ गया तो शांत हो गया वो उसके बाद समाधान मिल गया उसको इस तरह हमारे मन में जो शंकाएं उठते हैं उसको असुरों से तुलना किया मधुसूदन ऐसे बोलते हैं ना अर्जुन मधु राक्षस को आपने वध किया इसी तरह मेरे शंकाओं को भी आप वध कीजिए क्योंकि शंका दूर हो गया ना हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे भक्ति में जैसे अग, अगर आप नगर से पुणे जाना है आपको जाते समय अगर दो रोड आते हैं इसे आपको पता नहीं ये रोड है ये रोड है प्रातः काल में आप जा रहे हो गाड़ी में तो धीरे धीरे धीमी से चलाओगे आप किसी को पूछोगे कि पुणे का रोड है क्या कोई चाय के दुकान में बोलेगा अरे ये पुणे का रोड नहीं थोड़ा पीछे जाओ और दूसरा रोड रहेगा वो पुणे का बोलता है आप एकदम तेजी से पीछे आओगे एकदम तेजी से भगाओगे गाड़ी क्योंकि अभी पता चल गया है कि यही पुना गारोड़ है अगर विश्वास बैठ गया तो हम तेजी से जाते हैं अगर विश्वास नहीं है तो धीरे धीरे जाते हैं तो विश्वासों को घटाने वाले चीज क्या है शंकाएं हैं तो शंकाओं को दूर करना चाहिए और पूछताछ करने के लिए इसको बोलते हैं गुखीय है सदर्म पृच्छा तो इस तरह का पूछताछ करना बहुत आवश्यक है शंकाओं को दूर करना चाहिए और एक कारण है स्पिरिट प्लस रिचुअल इज कॉल स्पिरिचुअल स्पिरिट प्लस रिचुअल सो रिचुअल का मतलब रीति रिवाज स्पिरिट का मतलब है मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूँ वो जानकारी के साथ करना अभी उदाहरण के लिए एक मंदिर में भी गया था मैं फॉरेन में ट्रैवल करते समय कुछ कुछ मंदिरों में एक बोर्ड में वो लिखते हैं मंगला आरती एक बोर्ड में उसको निकाल कर नरसिंह आरती एक बोर्ड में तो उनके मंदिर 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 है, है। किसी ने लिखा होगा वो साइज का बोर्ड था उधर लिखा है ना बोर्ड उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था संसार दावन वाला तो उधर सामने वो हुंडी के निकट रखे हम खड़े हैं इधर इधर से कुछ दिखता ही नहीं किसी को छोटा छोटा अक्षर है और वो मंग, मंगला रखता है उसको निकालकर नरसिंह आरती रखता है तुलसी और आरतियों को गीत का रखने का रीति रिवाज है लेकिन लाभ किसी को नहीं है समझे तो ना आपने रोज होता है वो रोज रखता है निकालता है रखते है। तो मैंने उसका किसके लिए रखा है आपने हमारा हैबिट है रोज रखते हैं है? तो ये रीति रिवाज करते हैं लोग लेकिन वो किस लिए हम क्यों कर रहे हैं वो मालूम नहीं है कर तो इसलिए हम क्या करना चाहिए जो भी गाना गा रहे हैं है, उनके बारे में पढ़ना सुनना आवश्यक है जैसे गुरु के बारे में प्रौपज के बारे में आचार्य के बारे में पंचतत्व के बारे में राधा कृष्ण के बारे में गौन के बारे में नरसिंह देव के बारे में प्रहलाद के बारे में तो विस्तृत रूप से शास्त्रों से अध्ययन करके उनकी ओर अगर हमारे अंदर हृदय में एक भावना जगेगा तो हम साधना करते समय बहुत प्रेम से हम कर पाएंगे सो वी शुड नो द स्पिरिट बिहाइंड वाई आम आई डूइंग वाट आई एम डूइंग ये जानना आवश्यक है और एक पॉइंट है हम लोग भगवान को छोड़कर इस दुनिया में करोड़ों साल बिताया है हमने है? जिसके कारण लगभग हम उनको भूल ही चुके हैं और हम भौतिक पदार्थों में लिप्त हो गए हैं हम इस दुनिया में तो हमें सोचना चाहिए कि ओवरनाइट नाइट एक ही दिन में अचानक हम शुद्ध वक्त नहीं बन सकते रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे हाँ टाइम लगने वाला है उसके लिए थोड़ा हाँ क्योंकि अगर आपने एक गीला हवल को ये एक कांटे वाले पेड़ में ऐसे डाल दिया सुखाने के लिए हा? अगर बस में सब लोग बैठ के बोल रहे हैं तुरंत चलो अभी हम निकल रहे हैं तो तुरंत आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा इसे फट जाएगा ना तो धीरे से निकालना होता है उसको इसी तरह भक्ति भी तुरंत कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए वो लोग ये बन जाते हैं हा? वो लोग क्या बोलते हैं सहज बन जाते हैं हा? तो हम नाटक नहीं कर सकते हैं भक्ति की भक्ति को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए हमको रमन शाह ओवर नाइट हम भक्ति नहीं कर सकते जैसे अगर आपको इंजीनियर बनना हो क्या एक दिन में एक साल में बन सकते हो इंजीनियर आपको एल के जी जाना है यूके जाना है फर्स्ट स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड उसके बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी है ज्वाइन करने के बाद भी चार साल पचास पेपर पूरा करना होता है उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त हो रहा है उसके बाद भी नौकरी मिलेगा कि नहीं भगवान को पता है ना आजकल तो अगर एक साधारण एक पेपर के लिए ये लोग सोलह साल पढ़ रहे हैं हाँ तो हम लोग भक्ति क्या तुरंत इसलिए भक्ति में उत्साहन तो ये चाहिए हमको और तो ये सब मैंने कारण बताया आपको अभी ऐसे चीजों को आप मैं आपको बताऊंगा जिससे हम जल्दी हम रुचि को बढ़ा सकते हैं जल्दी रुचि बढ़ाने वाले प्रक्रिया क्या है जैसे आप सोचिए कि आध्यात्मिक जीवन में आपको सबसे रुचि प्रदायक चीज क्या है आपको कुछ लोग बोलते हैं कीर्तन कुछ लोग बोलते हैं आ, आ, कुछ प्रचार कुछ लोग बोलते हैं भगवान की श्रृंगार करना नहीं। नहीं तो भगवान की सेवा कुछ लोग बोलते हैं किताब वितरण इस तरह अलग अलग लोगों का रुचि अलग अलग, अलग चीजों में है सेवाओं में है? अगर आप भक्तों के कुछ लोग हरिनाम में जाते हैं मैं मेरे शुरुआत के दिनों में राधा गोपीनाथपुर के साथ हम लोग चौपाटी बीच में जाते थे हरिनाम संकीर्तन के लिए हैं। तो नाच ना, नाच नाचते थे तीन सौ चार सौ लोग जुड़ जाते थे ऐसे आते थे तो सबको किताब वितरण करते थे और वो लोग लेकर जाने के बाद थोड़े दूर कीर्तन करते करते समुद्र के तट में जाते थे और भी कीर्तन को देखकर लोग आते थे और किताब वितरण करते थे ऐसे करते थे हम लोग हमको बहुत अच्छा लगता था हम कॉलेज से जब जाते थे तो भक्तों के साथ हरिनाम में जाना एक दिन प्रभु जी फुटफॉल के लिए गए तो गाड़ी लेकर गए एक एक स्लम में गए झोपड़ी पट्टी में उधर पचास साठ बच्चे दूर से हरे कितना हरे किचना हरे कितना, कितना नाच रहे रहते ऐसे सब भागते हुए आए हैं तो सबको प्रसाद वितरण किया हमने तो इस तरह कुछ कुछ लोगों को प्रसाद वितरण में उनका हृदय बढ़ जाता है कुछ लोगों को हरिनाम संकीर्तन में कुछ लोगों को किताब वितरण में कुछ लोगों को प्रचार काम में कुछ लोगों को कीर्तन में कुछ लोगों को कुकिंग करने में तो आप खुद ही पूछो अपने आप को आपको, आपको रुचि किस में है जिस सेवा में रुचि है उस सेवा में जुड़ जाओ और वो सेवा ज्यादा करते 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 आपका आनंद भी बढ़ेगा भक्ति में तो धीरे धीरे उसके बाद आपको इसमें भी साधना में भी, भी रुचि आपको बढ़ेगा ऐसे वो एक चीज कर सकते हैं और एक चीज़ है रुचि बढ़ाने वाली चीज़ जिसे आपके इस मंदिरों में मंदिर में जो जाते हो आप उधर सबसे आपके प्रिय भक्त कौन है जिस वक्त आपके लिए हीरो है नहीं तो हीरोइन है जिनकी वैष्णव सदाचार नहीं तो जिनके गुण जिनकी महानता आपके मन में बार बार गूंजता है उसको देखकर कितना अच्छा बगता है कितना अच्छा बगता है ऐसे तो ऐसे वक्त जिनको आप बहुत बड़ा मानते हो उनका संग करना चाहिए रेगुलर उनके पास जाकर बोलना चाहिए प्रभु प्रोजे मुझे आप मैं आपके साथ लेके जाइए सेवा के लिए आप जो करते हो मैं भी आपके लिए कुछ सहयोग करूंगा आपको सेवा दूंगा करेक्ट ना ऐसे उनके जितना आप निकट आओगे उतना आपके अंदर सदगुण जग जाएगा ऐसे भक्तों के निकट आने से जाना माता जी है में वो सैकड़ों माताओं को इतना बढ़िया बनाया उन्होंने इधर भी माता जी का अनुभव है करेक्ट है माता जी या शुरुआत के ना में सिर्फ फोन में टच में थी माता जी लेकिन इतना प्रभाव असर पड़ा इनके ऊपर कमलनी माता जी के ऊपर उसके बाद कमलनी माता जी ऐसे ही बन गई माता जी जाना माता जी जैसे उनका संकर् ऐसे तो इस तरह हम लोगों को कोई रोल मॉडल चाहिए रोल मॉडल के साथ अच्छा संग करो वो दूसरा पॉइंट है पहला बोला मैंने सेवा आपको लिए प्रिय सेवा दूसरा है आपके लिए रोल मॉडल जो है और तीसरा है मन जो होता है वो उसका आदत ही है हमेशा रमना है किसी चीज में रमना या तो भगवान में रमना नहीं तो किसी भौतिक पदार्थ में रमना इसलिए हमारे मन को कभी काली नहीं छोड़ना चाहिए काली मन शैतान का घर बोलते हैं ना ऐसे है क्योंकि इससे शैतान का घर होने के कारण हम अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहिए अनेक लोग क्या कर देते हैं आजकल कंप्यूटर में मोबाइल में वो थोड़ा खाली मन छोड़ते हैं कुछ चीजों को देख लेते हैं उसके बाद उनको ये हो जाता है दुर्घटना हो जाता दुर्घटना तो क्या है चोट पहुंच जाता है आत्मा के ऊपर करेक्ट है ना मतलब तो ऐसे चीजों को देखते हैं जिसके कारण आपका रुचि आध्यात्मिक रुचि घट घट जाएगा उससे भौतिक रुचि बढ़ जाएगा उससे इसलिए हमें क्या करना चाहिए मन को हमेशा एंगेज रखना चाहिए यू हैव टू गो फ्रॉम वन स्पिरिचुअल एक्टिविटी टू अनदर एंड थर्ड वन फोर्थ वन फिफ्थ वन एक मिनट छोड़ना नहीं चाहिए मन को काली मन और इंद्रिया दोनों को हमेशा हा? अभी छोटा बच्चा आपने देखा होगा माताओं को मालूम होगा उसको छोड़ दिया ना वो भागेगा वो इधर उधर कभी कभी छोटा बच्चा एक बैग लेकर भाग भागना चाहता है माँ तो बोला जा रहे हो पकड़ेगी वो ट्रेन में एक बच्चा था इधर से वो सीधा को छोड़कर भाग रहा अंदर ही छोटा पीछे भागकर बा, पकड़ा उसको है क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं कि कितना खतरा है अकेले जाना गिर जाएगा वो हा? तो इस तरह हम हमारे मन को भी मालूम नहीं कि गलत दिशा में भागना नहीं चाहिए इसलिए उसको हमेशा एंगेज रखना चाहिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट में तो ये सब चीज़ें करने से आ, और हमको आ, और कभी कभी हम यात्राओं में जाते हैं भक्तों के साथ कुछ कुछ चीज़ें हमें बहुत सुख प्रदायक है जैसे यात्रा है उत्सव है आ, आ, बड़े महात्माओं को मिलना इत्यादि तो इस तरह हमको जो भी रुचि प्रदायक चीज़ें हैं उनको बढ़ाना और पहले जो चीज़ हमको छोड़ना चाहिए मैंने बोला पापों को छोड़ पापाचार को छोड़ना अपराध को छोड़ना तीसरा क्या बोला और एक बोला तीसरा yes. नहीं पापाचार को छोड़ना पहले फा, पांच बोला मैंने पांच छह आइटम बोला जिसको हमें छोड़ना चाहिए और आगे इस साइड में मैंने दो तीन आइटम बोला याद है आपको फर्स्ट टोल्ड सिंस ब्लॉक प्रोग्रेस सेकेंड थिंग टोल्ड अपराधा ब्लॉक प्रोग्रेस और कारण क्या बोला और yeah, हाँ हा, रेड्यूसिंग हम सीनियर होते होते हम श्रवण करना छोड़ देते हैं तो पौधा सूख जाता है श्रवणा दि जल हां, वो करना चाहिए तीसरा बोला और डाउट्स शंकाओं को दूर करना चाहिए पूछने के लिए हिचकिचानी चाहिए इसलिए घुसिया मृतिक करना चाहिए करेक्ट और रिचुअलिस्टिक रिचुअलिस्टिक भक्ति करने के बदले में स्पिरिट प्लस रिचुअल स्पिरिट जानने के लिए एम एम आई आई डूइंग डूइंग मैं क्यों कर रहा हूँ जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हम लोग गाते आए हैं अब कृष्ण चैतन्य कौन है नित्यानंद कौन है अद्वैत आचार्य प्रभु कौन है गदाधर कौन है इनके बारे में और जानकारी पढ़ेंगे श्रवण करेंगे तो हम इनके इनके नाम गाते समय हम प्रेम से गा पाएंगे करेक्ट क्या ना? इसलिए स्पिरिट प्लस रिचुअल इज स्पिरिचुअल ये सब बोला कितने हो गया पांच हो गया वो करेक्ट ना और उस साइड में पॉजिटिव साइड में क्या बोला हाँ फेवरेट रोल मॉडल एंगेजमेंट हमारे मन और इंद्रियों को गलत चीजों को करके उनको डैमेज नहीं करना चाहिए डैमेज देखे अभी मेरे पास टैक्स है देख रहा हूँ अगर मैं एक हैमर लेकर उसको मार देता हूँ पट पट करके मारेंगे तो दिखेगा नहीं तो अभी तीन चार हज़ार खर्चा करना पड़ेगा इसके लिए कितना मूर्खता है इस तरह हमारे मन और इंदिर को डैमेज कर दिया है गलत एंगेजमेंट से बहुत समय भी बीतता है और भक्ति में भी आगे भी नहीं पढ़ पाते हैं तो आजकल के बच्चे युवक युवतियाँ बहुत भक्ति में आने के बाद भी कभी बिगड़ जाते हैं तो इसलिए आज के सत्र में हम बता रहे थे कि एनवरमेंट कितना भी गंदा हो बाहर की दुनिया हम कमल जैसे रह सकते हैं हा? जब तक हमारी इंटेंशन मती भगवान की ओर है मुड़ा हुआ है और हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को और भक्तों का संग कर रहे हैं मेक माइंड लाइक बटर भागन जैसे मन को बनाना चाहिए ताकि हम दुनिया दा, दुनिया जैसे पानी से वो लिप्त नहीं होगा उसमें ठीक है शिल्पा पार की और भक्ता वृंदा की ग्रंथराज श्रीमद की गुरु पूजा करेंगे अभी हरे कृष्णा तो हम श्रीमान राधेश हमरू को और प्रभु को धन्यवाद देते हैं जैसे प्रभु जी बता रहे थे प्रवचन में ही शैले शैले न मानिक मूर्ति कम न गजे गजे साधु नहीं सर्वत्र चंदन बने बने तो ऐसे ही प्रभु जी ऐसे साधु है कि बहुत रेहर है इनके जैसे साधुओं का संग प्राप्त होना और प्रभु जी का खासियत यह है कि जो जो भी शास्त्रों का ज्ञान है वो प्रैक्टिकल जीवन में कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं और उसके लिए उदाहरण भी जो रहते हैं बहुत प्रैक्टिकल जिससे तुरंत समझ में आता है कि कैसे ये जो आध्यात्मिक तत्व है हमारे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं तो प्रभु जी को हम धन्यवाद देते हैं श्रीमान राधेश्याम प्रभु को और श्रीमान रेवतीपति प्रभु को भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो अभी गुरु पूजा होगा और जिनको जल्दी जाना है तो उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रसाद के भी आयोजन किया है तो प्रसाद लेके ही आप जाइए और आज शाम को भी प्रभु जी द्वारा सत्संग दिया जाए।